हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7th। वी आर इन चैप्टर नंबर 11, पेरीमीटर एंड एरिया, और उसके अंतर्गत आज एक्सरसाइज 11.3 का सम नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपकी टेक्स्ट बुक खुली होनी चाहिए, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको पहले मैं समझाता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो एक सर्कुलर गार्डन था, उस गार्डन पर फेंसिंग करना था। अब वो जो फेंसिंग करना था वो जो एक रस्सी से, रोप होता है, रोप रस्सी, उनसे वो फेंसिंग करना चाहता था। तो पूरा ये बॉर्डर था सर्कल का, उसके ऊपर वो रस्सी लगा देना चाहता था, लेकिन वो रस्सी के दो राउंड लगाना चाहता था, एक नहीं। जैसे कि रस्सी ली तो एक बार उसने ऐसा रस्सी एक राउंड कर दी, फिर एक दूसरी राउंड भी उसके ऊपर कराना चाहता था। इस तरह डबल फेंसिंग करना चाहता था, तो रस्सी के दो राउंड लेना चाहता था, ऐसा है। दैट मीन्स के हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअली, जब भी बॉर्डर की बात आती है तो सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहले तो मुझे इस गार्डन का जो फेंसिंग के लिए जो रॉप की लेंथ उसने पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि लेंथ क्या होनी चाहिए रॉप की, और फिर कॉस्ट भी निकालना है रस्सी का। लेकिन पहले जो लेंथ फाइंड करनी है, तो मुझे तो रस्सी इसकी बॉर्डर पर लगानी है और वो भी दो राउंड लगाने हैं। दैट मीन्स के आई नीड टू फाइंड आउट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट, क्योंकि वो बॉर्डर पर ही होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होगा 2πr। तो मैं 2πr से पहले, सबसे पहले तो रस्सी कितनी चाहिए वो फाइंड कर लेता हूँ, फिर मैं कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है। तो अब सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपको चाहिए रेडियस, यहाँ क्वेश्चन में दिया है डायामीटर, तो डायामीटर का मैं हाफ करूँगा तो मुझे रेडियस मिलेगा। तो अब डायामीटर 21 है, तो रेडियस 21 डिवाइड बाई 2 करूंगा, दैट मीन्स बी 10.5 मीटर। तो मुझे रेडियस मिल गया 10.5, दैट मीन्स डायमीटर का आधा कर दो, यू विल गेट इट 10.5, इट इज वेरी सिंपल। अब जैसे कि मैंने बताया कि फेंसिंग करना है वो बॉर्डर पर होगा, मतलब मुझे फाइन करना होगा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस फाइन करने का फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस है 10.5। तो मैंने क्या किया, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया, इसलिए नीचे आएगा 105/10, ये आएगा। अब मैंने कैंसिल किया सब, तो 66 मीटर जो है वो सर्कमफ्रेंस मिला। दैट मीन्स के अगर मैं एक राउंड रोप का लगाऊंगा तो मुझे 66 मीटर चाहिए रोप, लेकिन उसको दो राउंड लगाने हैं। दो राउंड लगाने हैं मतलब उसको 66 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो राउंड लगाने हैं रस्सी का। तो 66 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 132 मीटर, मतलब मुझे जो टोटल रस्सी चाहिए वो 132 मीटर लेंथ की रस्सी चाहिए, तो मेरा दो राउंड बनेगा इस सर्कल के ऊपर। तो पहला आंसर जो पूछा था वो मुझे मिल गया 132 मीटर। अब जो रस्सी देने वाला होगा, जो शॉपकीपर, वो थोड़ी मुफ्त में देगा मुझे, तो वो उसने कॉस्ट बताया कि एक मीटर लोगे आप तो 4 रुपीज लगेगा आपको। मुझे कितना मीटर लेना है, 132 मीटर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज रुपीज 4, सो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर कितना, तो मैं 132 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि एक मीटर का 4 रुपीज़ है। तो 132 मीटर का कितना, तो 132 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो मिलेगा आपको आंसर 528 रुपीज़। दैट मीन्स के मुझे अगर 132 मीटर रस्सी लेनी है तो मुझे 528 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो आई गॉट बोथ द आंसर्स, 132 मीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट आई हैव टू पे रुपीज़ 528। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वेरी सिंपल सम। इसको अच्छी तरह से वीडियो को फिर से बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, बाकी के जो सम्स है वो आप होमवर्क में ले लेना। और कोई डाउट हो उस सम्स में जो 11.3 के, तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना, मैं उसका वीडियो भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।